भाई साहब हालत खराब हो गई यार पैकिंग करते करते कसम से। इतना सामान जैसे तैसे करके देखो, पीछे का पूरा मामला साफ है। ये कपड़े और जो कुछ सामान रखा हुआ उसको तो मैं पहन के जाऊंगा कल। और आ गए 3 बैग में, सॉरी 3 बैग में अपन ने ट्राई करा था भरने का, और बहुत बढ़िया से 3 बैग में सामान आ गया। अब मैं चल के दिखाता हूँ गाड़ी किस तरीके से लोड करी है। ठीक है, आओ गाड़ी दिखाता हूँ। तो ये देखिए देवियों सज्जनों, कितनी बेरहमी से मैंने पैकिंग करके गाड़ी में लोड कर दिया। गाड़ी वैसे आप लोग देख चुके हो, फिर भी एक राउंड और देख लो, ज़्यादा देखने से मोहब्बत होगी और कुछ नहीं होगा भाई साहब। ये है मेरा यूट्यूब चैनल धनपुरी वाले, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके धनपुरी वाले को सब्सक्राइब करें। ये मेरी इंस्टा आईडी वही है, और यूट्यूब जिसमें, सॉरी फेसबुक जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो या यूट्यूब में देख रहे हो, ये मेरा फेसबुक की आईडी। ये बॉटल होल्डर, ये रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ। फिलहाल आते हैं अपन बैग पैकिंग पे। ये एक बैग, ठीक है, अलग है ना यहाँ से, एक बैग, ये 2 बैग और ये तीसरा डफल बैग। ये गाड़ी मेरी बन के तैयार है। साइड में आ गया है ये हवा ववा की अगर दिक्कत होती है तो पंप, और एक छोटा सा डिब्बा भी मैंने रख लिया पेट्रोल वगैरह अगर घटता है तो। अब क्योंकि हमें निकलना है सुबह जल्दी, आज रात को सारी पैकिंग करके सोऊंगा, सुबह सो के उठूंगा और बस दौड़ते निकल जाना है मेरे को अपने नेपाल की ओर। तो गाड़ी में पेट्रोल भी डाल लेते हैं, अभी सुबह पता नहीं भूल जाऊँ रास्ते में खड़ी बड़ी हो जाए, सुबह पता नहीं टंकी खुलती है कि नहीं खुलती, इसलिए कुछ तो अपन ने लेके आया था पेट्रोल, 10-12 लीटर जो भी है, इसको गाड़ी में डालते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब इसकी खुराकी पूरी कर ले, मैंने चाय पीने वाली मांगा था, दिल आ गया तेल पीने वाली पे, तो क्या कर सकते हैं, इसको पिलाते हैं भाई साहब तेल। तो भाई साहब गाड़ी का पेट पूजा हमने करा दिया, उम्मीद करते हैं उसका पेट भर गया होगा घोड़ी का। कितना तेल आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, हाँ करेक्ट है, ये हो गई गाड़ी की टंकी फुल। रात के बज रहे हैं 10:32। तो ये कैमरा सामने करके फिर मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ, फिर अलविदा लेते हैं। मुझे जल्दी सोना है क्योंकि जल्दी उठना भी है और फिर सुबह निकलना है। तो भाई साहब अब हम जाते हैं सोने के लिए, रात के बज चुके हैं 10:30 से 11 बज रहे हैं, अब जाते हैं सोने। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अब जो वीडियोस आने वाली हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली हैं, तो भाई साहब वीडियो को अच्छे से देखें, एंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो रवि तिवारी ऑन फेसबुक एंड धनपुरी वाले ऑन यूट्यूब। ठीक है, दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपना प्यार दीजिए। अभी हम जहाँ जाने वाले हैं, मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ उस जगह पर अभी कोई नहीं गया होगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ना नेपाल से परमिशन बनानी पड़ती है। खास नेपाल नहीं जा रहा हूँ मैं, नेपाल से मस्तैंग सर्किट करने वाला हूँ, जिसका खाली परमिशन परमिशन का अगर मैं आपको बताऊँ तो 50 से 60 हज़ार रुपये खाली परमिशन का लगने वाला है। वो सब आप आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, कहाँ परमिशन लेता हूँ, कितने पैसे लगते हैं और कैसा सर्किट होने वाला है। तो बेसिकली हम जाने वाले हैं नेपाल चाइना बॉर्डर LOC पे, मस्तैंग सर्किट बोलते हैं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। तो भाई साहब देखते रहिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, और ठीक है इसी तरीके से अपना प्यार दीजिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।